हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए, डबल हो जाएंगे आपके शेयर्स अगर आप इस शेयर में इन्वेस्टेड हैं तो। अब आप सोच रहे होंगे, यार डबल हो जाएंगे, क्या कोई बोनस अनाउंस किया है जो डबल हो जाएंगे? चलिए देखते हैं बोनस है या स्प्लिट है, उन सारी बातों पर फोकस करते हैं। साथ में आपको बताना चाहूंगा कि ये शेयर एक जबरदस्त लार्ज कैप सेक्टर का स्टॉक है। ये मान के चलिए कि टॉप 5 में ये स्टॉक आता है। ब्लू चिप शेयर, रिस्क फ्री शेयर, सबसे टॉप का स्टॉक मैं कहूंगा, वन ऑफ द टॉप स्टॉक ऑफ इंडिया। और करंट सिचुएशन जो शेयर की चल रही है, करेक्शन के बाद बहुत बढ़िया एंट्री का मौका दिख रहा है। उन सारी बातों पे फोकस करते हैं, टेक्निकल, फंडामेंटल और डबल कैसे हो रहे हैं शेयर और कब हो रहे हैं, उन सारी बातों पे भी फोकस करते हैं इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। जी हाँ, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं HDFC बैंक लिमिटेड की। आपको यकीन नहीं होगा कि HDFC बैंक लिमिटेड इंडिया में थर्ड नंबर का शेयर है। रिलायंस और TCS को अगर छोड़ दें तो फिर HDFC बैंक ही आता है सबसे ऊपर। इंडिया ही नहीं, अगर पूरे एशिया में देखा जाए तो एक आध बैंक को छोड़ के HDFC बैंक ही सबसे बड़ा बैंक है, बहुत बड़ा। 6 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैपिटलाइजेशन, करंट प्राइसिंग काफी अट्रैक्टिव इसकी दिख रही है और पी रेशियो काफी अच्छा है, सेल्स ग्रोथ बहुत ही बेहतरीन है कंपनी के ऊपर, PG रेशियो काफी बढ़िया है, मतलब बेहतरीन क्वालिटी का इसका शेयर आप कहोगे। अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि भाई डबल कैसे होंगे शेयर। तो देखिए बात ऐसी है, अब ये मान के चलिए 2200 का शेयर है, इसकी जो हम बात कर रहे थे डबल की, सबसे पहले वहां पे फोकस करते हैं। स्टॉक जो है 2011 में 10 रुपए की फेस वैल्यू से स्प्लिट के होके 2 रुपए की फेस वैल्यू पे आया था, तो इस टाइम पे तो 5 गुना हुआ था। मतलब कि अगर आपके पास एक शेयर होता तो आपको 5 शेयर मिलते हैं। लेकिन सितंबर 19 का डेट याद रखिए, सितंबर 19 का, आज की डेट सितंबर 15 है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 16, 17, 18 और फिर आता है आपके पास थर्सडे, यानी कि सितंबर 19, काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है। ये स्टॉक की फेस वैल्यू जो 2 रुपये की थी, मतलब इतने बड़े स्टॉक के लिए, या फिर मैं कहूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट डे ये है, और जो नई फेस वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1 की। तो मतलब अगर आपके पास, इस चीज़ को ध्यान रखें, सपोज आपके पास यहाँ पे कितने शेयर थे, 100 शेयर, तो आपके पास कितने हो जाएंगे शेयर, 200। और अगर आपके पास 50 शेयर थे तो आपके पास कितने शेयर हो जाएंगे, 100, तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स डबल हो जाएंगे, इस चीज को ध्यान रखिए, डबल। अब बात आती है प्राइसिंग की, करंट प्राइस HDFC का अगर आप देखोगे तो 2256 2257 के आसपास चल रहा है। तो ये मान के चलिए कि जो एक्स स्प्लिट डेट है, इस दिन तो आपका जो प्राइस है वो आधा हो जाएगा, लेकिन जो आपको बचे हुए स्टॉक है वो बाद में मिलेंगे। तो सितंबर 19 की जो डेट ये दिख रहे हो ना, मान के चलते हैं कि उस दिन प्राइस हो गया 2200 से थोड़ा सा बढ़ गया इसके चक्कर में और 2300 तक पहुंच गया। तो अगर 2300 के आपने क्या कितने शेयर खरीदे, 10 शेयर, 10 शेयर के हिसाब से आपका टोटल प्राइस हो गया 23000। अब आपके शेयर तो क्या होने हैं, डबल, 10 के हो जाएंगे आपके पास 20 शेयर। प्राइस क्या होगा 2300 के हिसाब से, प्राइस जो होगा वो 2300 के हिसाब से, एक शेयर का प्राइस जो होगा वो हो जाएगा 1150। ध्यान रखें इस चीज को, 1150 आपका प्राइस हो गया एक शेयर का, लेकिन यहाँ पे जो आपका टोटल ओवरऑल प्राइसिंग रहेगी, क्योंकि 20 शेयर हो गए उतना ही रहेगा, बस जो बढ़त है, जैसे कि किसी ने सस्ते में खरीदा होता, अभी 2200 के लेवल पे खरीदा होता या फिर 2100 के लेवल पे खरीदा होता, उसको तो फायदा है। अब फायदा होता क्या है, ये जो स्टॉक स्प्लिट इतना बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन है, इसमें फायदा क्या होता है? अब सोचिए, यहाँ पे आपके पास मात्र 10 शेयर थे तो आप इसमें से 5 शेयर बेचते, 5 शेयर खरीदते, या फिर आपके पास अभी एक ही शेयर था तो आप इसमें से बेच नहीं सकते थे उसको, या तो पूरा ही बेचना पड़ता, लेकिन आप चाहते थे यार मैं तो आधा बेचना चाहता था, लेकिन आधा नहीं बेच सकते थे। लेकिन अब स्प्लिट होने के बाद आप इसमें से, सपोज कीजिए कि 2300 का आपके पास एक शेयर था, तो आप एक रख के 1150 का एक शेयर आपके पास रह जाएगा। तो इसका मतलब कि जब नंबर ऑफ शेयर इस तरीके से स्प्लिट हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं तो मार्केट में लिक्विडिटी आ जाती है। और दूसरा, कोई बंदा अगर शेयर खरीदना चाहे और उसको लगेगा यार 2300 का प्राइस बहुत महंगा है, बाकी लोग जनरली रिटेल इन्वेस्टर की मैं बता रहा हूँ, बाकी लोग तो जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो तो ऐसा सच कुछ इनको फर्क नहीं पड़ता कितना भी प्राइसिंग हो, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर की सोच रहती है यार 2300 रुपये का शेयर है, 10 खरीदूंगा तो 23000 रुपये लग जाएंगे,
मुझे तो 5 ही खरीदने पड़ेंगे, लेकिन अभी अगर जब प्राइसिंग 1150 के आसपास आ जाएगी ना, तो आपको ये अट्रैक्टिव लगेगा यार, HDFC बैंक का शेयर सही है, 1100 रुपये का है। कोई ये नहीं देखेगा कि इसकी फेस वैल्यू 1 रुपये हो चुकी है, ये कोई नहीं देखेगा, लेकिन ये देखेगा प्राइस यार 1150 रुपये का, सही रेट चल रहा है, ये तो आधा हो गया। तो आप ये चीज़ को फोकस करिए, ये काफ़ी मतलब अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हो, अगर आप सारी चीज़ें देखते हो, एक नॉलेजेबल इन्वेस्टर हो, तब तो आपको कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं कि भाई ठीक है मैं 2300 पे भी खरीदता, 1150 के हिसाब से आ गया, अब तो और बढ़िया है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ सिचुएशन जब देखोगे तो लोगों को लगता है सस्ता हो गया शेयर, तो लोग और खरीदने की सोचते हैं और स्टॉक का प्राइस एकदम जंप करने के आसार होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि 100% जंप, कई बार नेगेटिव में भी जाता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हो जाती है कि स्टॉक ऊपर जाएगा। तो बहुत जल्दी ये यहाँ से सीधे, अगर आप देखिए 1150 से ये 50 रुपये मूव कर गया ऊपर, तो सीधे 1200 चला गया। तो मतलब अगर ये 2300 पे होता तो ये 2400 जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क था, लेकिन 1150 से 1200-1300 जाना थोड़ा सा ईजी टास्क है, मतलब सिंपल लगेगा आपको। यहाँ पे लोगों को इतना फर्क दिखेगा नहीं, क्योंकि यार उनका 50 रुपये 100 रुपये एकदम बढ़ जाता है, तो यहाँ पे मूवमेंट अच्छी खासी देखने को मिलती है। तो ये तो हमने बात की स्प्लिट की, अब साथ में थोड़ा मैं फंडामेंटल के साथ साथ अगर आपको इसका रिजल्ट दिखाऊं HDFC बैंक का, आप यकीन नहीं मानोगे। देखिए किसी टाइम पे 16,000 करोड़ का मात्र रिवेन्यू था, और आज की डेट में 1,00,000 करोड़ के पार का रिवेन्यू है। इसीलिए इस शेयर को आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस शेयर से। मैं कहूँगा कि 15 से 20% के आसपास आपको एनुअल रिटर्न आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो इस शेयर से। एनुअल रिटर्न कितना? 15% एंड अबव। अगर आप ओवरऑल देखा जाए कि 10 साल में अगर इसकी जो एवरेज यहाँ पे कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है वो 25% की है, और इक्विटी पे रिटर्न आप देख लीजिए 18%, मतलब 15 से ऊपर ही है। हम तो कम ही बता रहे हैं कि 15% 15 से 20% के रेंज में, लेकिन आप देखिए जितना लंबा इसमें इन्वेस्ट करोगे आपको बढ़िया रिटर्न। अब आप खुद सोचिए कौन सा फिक्स डिपॉजिट आपको इतना रिटर्न देता है। तो शेयर, रिस्क फ्री शेयर, बढ़िया शेयर। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस HDFC बैंक में फिक्स डिपॉजिट करने जा रहे हो, तो इससे अच्छा HDFC की बैंक के शेयर धीरे धीरे करके अभी आपको और बढ़िया स्प्लिट के टाइम पे बिल्कुल आपको लगेगा यार 1100-1150 में आ गया, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है यहाँ पे। अब ये तो रही फंडामेंटल टेक्निकल की बात, एक बार और जानते हैं। देखिए अब ये जो 4 टाइम फ्रेम मैंने आपको दिखा रखे हैं, ये वीकली, ये डेली, ये 3 घंटे का, ये 1 घंटे का, अलग अलग टाइम फ्रेम पे शेयर को निहारते हैं एक नज़र। अब यहाँ पे जो आप ये लाइन देख रहे हो, ये मूविंग एवरेज है, 50 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर आप यहाँ पे देखें, इसने 2500 रुपये का हाई बना के जो लो बनाया है वो 2150 के आसपास, 40 के आसपास का लो बनाया है। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे अब देखिए, आप डेली चार्ट पे आइए, जब अक्टूबर टाइम फ्रेम पे लास्ट ईयर गिरावट आई थी तो भी शेयर देखिए बिल्कुल एक 200 डे मूविंग एवरेज है एक्सपोनेंशियल, एक 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है डेली चार्ट पे। तो यहाँ पे ये 2200-2250 का लेवल का हाई बनाने के बाद नीचे आया, और नीचे आके बिल्कुल 1880 के लेवल तक आया। आप यहाँ पे बात ध्यान रखें, जब ये कंसोलिडेशन हुआ था यहाँ पे, तो ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे गया था, लेकिन यहाँ पे लाइन ने क्रॉस नहीं किया, ये इंपॉर्टेंट बात है। और लाइन बिल्कुल पास आ गई थी, और बिल्कुल पास आने के बाद जैसे ही इसने 200 डे मूविंग एवरेज को पार किया, देखिए आप, और उसके बाद ऊपर चला गया। और वही सिमिलर सिचुएशन अभी के टाइम फ्रेम पे आ रही है, बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कंसोलिडेट कर रहा है 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास, अब इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको पार करके ऊपर तो ये जा चुका है, लेकिन साथ में अगर ये 50 डे मूविंग एवरेज को भी पार कर ले, बिल्कुल उसके पास है, तो और भी बढ़िया। ये देखिए अब इसको अगर ये पार कर लेता है तो भाई एंट्री का मौका जरूर दिखता है, मतलब ये 2200-2300 के लेवल को पार करके एंट्री का मौका बिल्कुल। अगर आप यहाँ पे देखें इस लाइन को, ये देखिए ये एबंडन बेबी बना, उसके बाद ऊपर गया शेयर, धीरे धीरे आप ऊपर का जो माला है, ऊपर का जो ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल काइंड ऑफ देख रहे हो, तो बिल्कुल फिक्स है, अपर पोर्शन फिक्स है, लेकिन लोअर पोर्शन धीरे धीरे जो लोज है वो घटते जा रहे हैं, मतलब बढ़िया अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और इस लेवल को पार करना बहुत जरूरी है, 2200-2300 का ये लेवल है, इसको एक बार पार कर ले तो ये शेयर में बड़ी रैली के संकेत आपको देख सकते हैं। ये तो रहा आपका डेली चार्ट, ये आपका था वीकली चार्ट। अब देखते हैं 3 आवर्स के चार्ट में, यही टाइम फ्रेम को अगर आप 3 आवर में देखें, ये बिल्कुल जो लेटेस्ट चल रहा है, तो वही सेम सिचुएशन मुझे यहाँ पे भी दिख रही है। और अगर मैं आवरली में देखूँ तो और क्लैरिटी मिलेगी। देखिए आवरली में जब ये नीचे गया था, उसके बाद आप देखिए धीरे धीरे यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, अब कैंडल्स जो है पॉजिटिव वे शो कर रहे हैं, लेकिन इसको जो पॉजिटिव वे शो करना है
वो ये लेवल है, ये पार करना है इसको, कितना 2280 2290 का लेवल पार करना है, तब जाके शेयर में एक बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हमने बात करी कि इसकी एचडीएफसी बैंक के शेयर की, और अगर आप और चार्ट देखना चाहते हो तो देखिए ये इसका बहुत बढ़िया, ये वीकली चार्ट है, डेली चार्ट है, देखिए किस तरीके से बेहतरीन परफॉर्मेंस इसने दी है। नो डाउट बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया, अच्छा शेयर है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, और स्प्लिट आ रहा है आपके लिए सितंबर 19 की डेट याद रखना है, एक्सप्लिट डेट है। अगर आप लंबे वक्त के लिए खरीदारी करोगे तो उस टाइम पे हाफ रेट पे मिलेगा, सुबह 9 बजे खरीदने के लिए तैयार हो जाना। और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। आपकी अपनी राय एचडीएफसी बैंक के स्प्लिट के बारे में कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।